बारिश की वजह से हमारी दीवारें गिर गए, अभी दीवार बना रहे हैं, तो दीवार के पास जा रहे हैं, दादा लोग दीवार बना रहे हैं, हाँ उनके साथ ही हम हेल्प करेंगे, मैं और दादा आगे जाएंगे, आगे वो दीवार को देखेंगे, तो देखो दीवार नीचे गिर गया है, हमारे माल मशीन का खाना क्या है वो भी थोड़ा नीचे गिर गया था, हमने दीवार बनाया उनको, तो ये दादा लोग दीवार बना रहे हैं, तो अभी उनसे मिलते हैं। बारिश ने हमारा तबाही किया यार, हमारे दीवार को नीचे गिर के ऐसा किया है, तो उधर दादा लोग काम कर रहे हैं, तो दादा लोग ये ना वो नीचे गिर गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, किधर से आ गया जी? तो बस उधर गया था ब्लॉग बनाने के लिए, दीवार नीचे गिर गया था बारिश की वजह से, अभी ये दीवार बना रहे हैं, तो मैं भी इनके साथ हेल्प करूंगा। मेरे बहने आए, नानी नानी, मैं उनसे मिलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? ठीक हूँ। ठीक हो? अब चाचू से पूछता हूँ कब गिरा, या शाम को गिरा या दिन को गिरा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो चाचू? ठीक ठाक, हैरत। ठीक हूँ। इधर दीवार कब गिरा था? ये आज रात बहुत ज्यादा बारिश आ गया, कच्चा दीवार था, ये नीचे गिर गया, बस रात को गिरा है। रात को गिरा, रात को बहुत ज्यादा बारिश हो गया, तो ये रात को गिरा है यार, काम ही काम लिखता है यार, काम ही काम। जब ये दीवार नीचे गिरता है गांव में ऐसा होता है, जब दीवार नीचे गिरता है जब पानी वो होता है, तो ये तो बना रहे हैं चाचू लोग, यार साजू अभी हेल्प करेंगे, आओ साजू हेल्प करते हैं। ये अंदर लाना, ये इस तरह के पत्थर अंदर लाना, अंदर से मैं गोलाई बनाता हूँ। ये चाचू ये मोबाइल पकड़ो, मैं पत्थर लाता हूँ, बड़े बड़े पत्थर लाएंगे। ठीक है सजवा, इस तरह के पत्थर लाओ, इस तरह, ये सबसे पत्थर पत्थर, ये तो ये लेके ले लूंगा, ये बहुत वजन है इसका। ये लो चाचू, चाचू आप ये दीवार बनाओ, हम दूसरी जगह पर जाएंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शाबाश। दूसरा दीवार भी गिर गया है, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। माओ साजू चलो, वो दीवार गिर गया है, वो दीवार नहीं बनाते थे। हाँ वो दीवार भी बनाएंगे। हाँ बनाएंगे। शाम को गिर गया है, शाम को बहुत ही बारिश हो गया, इसलिए नीचे गिर गए को नीचे गिर गए हैं। हमारे गांव में कुर्बानी का सीजन हुआ है, कुर्बानी तैयार हो गए, बिल्कुल ही तैयार हो गए, अभी आगे जाते हैं, दीवार नीचे गिर गए, ये बनाते हैं नहीं, तो शाम को गिरा है, बहुत बारिश हुआ था इसलिए दीवार भी नीचे गिर गया है यार, खाना रह गया बाकी, बिल्कुल नीचे गिर रहा है यार, नीचे गिर गया है बारिश की वजह से, तबाही क्या है बारिश ने ना सजू। तो मैं आपको अभी कुछ दिखाता हूँ, ये एक दरख्त का नाशपाती है, इसमें दो किस्म के नाशपातियाँ हैं, एक बड़े बड़े हैं, एक छोटे छोटे हैं, दादा ने पेवन लगाया है इसलिए एक अलग साइड में छोटे छोटे हैं, अलग साइड में बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, ये देखो पेवन लगाया है, इस एक दरख्त है, एक नाशपाती का दरख्त है, बाकी दो किस्म के हैं। अभी हम मोशिकाना के छत में जाएंगे, उधर कैसा गया है देखेंगे। ठीक है सजू, चलो बिस्मिल्लाह। बहुत खतरनाक रास्ता, हम आराम से जाएंगे इधर से। तो पहुंच गए अपने छत पे, ये ऐसा हुआ है माल मोशी का खाना, कैसा जी ये कैसा हो गया मालमोशी का खाना, देखो मट्टी हो गया इसके ऊपर, कीचड़, हाँ कीचड़ भी हुआ है, दीवार भी नीचे गिर गया है। ये हमने जानवरों को खुराक रखा है, ये गर्मियों में दजाए वहाँ करते हैं, सर्दियों में मालमोशी को खिलाते हैं, तो ये रहा इतना जमा क्या है,
खाते कैसे, तो ये भी खुराक रखा है जानवरों को, तो सर्दियों में खाते इसके ऊपर शेपर भी रखा है ताकि बारिश आके ये खराब नहीं हो जाए, इसलिए हमने शेपर रखा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, लिखी सरप्राइज करना नहीं भूले। थैंक।